मैं मधुमक्खी पालक हूँ मैंने मधुमक्खी पालन का काम 2014-15 में शुरू किया जब मैंने इसकी जानकारी ली तो इसकी ट्रेनिंग के लिए मैं कोटा जिले में अंता केवी के में गया जहाँ से मुझे पाँच दिन की ट्रेनिंग मिली मधुमक्खी पालन के बारे में फिर वहाँ से हम आए हम दस बक्से लेके आए दस बक्से लाए भी कॉलोनिया लेके आए दस वहाँ से हमने शुरू किया पर हमारे को नॉलेज कम था उस समय ट्रेनिंग में थोड़ा मिला फिर हमारे मित्र थे मोहन जी भदेसर जो हमारे चित्तौड़ ज़िले में रहते हैं पुराने बी कीपर थे इनसे सहयोग लिया और दो चार बी कीपरों से पूछा तो इन्होंने हमें बताया कि इस प्रकार करना पड़ेगा फिर हमने धीरे धीरे और कॉलोनी बढ़ाई पचास कॉलोनी की पचास कॉलोनी से इन्हीं के साथ हम जुड़ते गए माइग्रेशन करते गए सरसों पर जाते थे अजवाइन पे जाते हैं सौंफ पे जाते हैं अलग अलग जगह माइग्रेशन करके शहद का उत्पादन शुरू किया धीरे 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 आज मेरे पास साढ़े चार सौ कॉलोनी है और मैं सालाना अच्छा खासा शहद बेच सकता हूँ पहले हमारे शहद बेचते थे तो बिना नॉर्मली एक फ़िल्टर देसी तरीके का करते थे आज मैंने चार महीने पहले मॉइस्चर प्लांट लाया, हनी प्रोसेसिंग प्लांट लगाया है गवर्नमेंट के सहयोग से आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत हमने लगाया आज फिल्टर करके एकदम 100 प्रतिशत प्योर शहद हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं जिससे शहद जो आता है वो ऑनलाइन और मार्केट में बिकता है हर महीने 400-500 किलो शहद बेच देता हूं सालाना छः साठ टन शहद मैं बेचता हूँ और भी रिक्वायरमेंट आती है तो मेरे बी कीपरों से हम लेते हैं और फिल्टर करके दे देते हैं जिसमें साढ़े चार सौ रुपये किलो से हम रिटेल में बेचते हैं और आज मेरे को हर महीने पाँच पचास हज़ार रुपये की आमदनी हो रही है जिससे मेरा जीवन बढ़िया चल रहा है